बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेटर, गुलूकार, शायर या फिर अदाकार, फैंस सभी के होते हैं। मदाहों को मशहूर शख्सियात की कोई भी आदत या उनकी झलक अच्छी लग जाए तो सारी जिंदगी के लिए उनके दीवाने हो जाते हैं, और कुछ मदा तो इतने दीवाने होते हैं कि वो उनसे शादी तक करने की ख्वाहिश का इजहार कर देते हैं। इसकी मिसाल आपको देते हैं कि शाहरुख खान पर बनने वाली फिल्म, मशहूर फिल्म फैन, जिसमें दिखाया जाता है कि उनका हमशक्ल फैन दीवानगी की हद तक शाहरुख को कॉपी करता है। यहाँ तक के अपने कमरे की दीवार पर शाहरुख खान की पुरानी से लेकर नई तस्वीर तक चिस्पा कर देता है और अपने आप को शाहरुख से तशबीह देता है। बहरहाल आज हम आपको चंद ऐसे अदाकारों के बारे में बताएंगे जिनको उनके पुरस्कारों ने शादी की पेशकश की। पहले नंबर पर है इमरान अब्बास। पाकिस्तानी शोबिस का जाना माना नाम इमरान अब्बास ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने मदाहों से सवालात करने का सेशन किया, जिसमें लोगों की जानिब से दिलचस्प सवालात किए गए, जबकि उनकी एक बड़ी खतून मदा की जानिब से इमरान अब्बास को रिश्ते की पेशकश भी हुई। इमरान अब्बास तमाम मदाहों के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं कि सवालात के उस सेशन में एक खतून मदा तो बगैर सोचे समझे अदाकार को शादी की पेशकश कर डालती है और कहती है कि क्या मैं आपके घर रिश्ता भेजूं? मदा के सवाल पर इमरान अब्बास ने उन्हें लाजवाब करते हुए कहा कि रिश्ता भेजकर देख लो। दूसरे नंबर पर हैं अलीजे शाह। पाकिस्तान शोबिस का नया उभरता सितारा अलीजे शाह, जिन्होंने कई ड्रामा सीरियल्स में अदाकारी के जौहर दिखाए, 20 साल नौजवान अदाकारा है जिनके कई पुरस्कार मौजूद हैं। गुज़िश्ता वर्ष अदाकारा का ऐसा फैन सामने आया था जिन्होंने अदाकारा को प्रपोजल भेजा। शकील अब्बासी का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर भावलपुर से है। शकील अलीजे शाह को ड्रामा सीरियल अहदे वफा में देखकर मुतासिर हुआ था और उसकी उम्र 41 साल बताई जाती है। अलीजे शाह की जानिब से मदा की इस पेशकश पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। तीसरे नंबर पर हैं अरमीना खान। शोबिज़ सनअत से ताल्लुक रखने वाली मकबूल अदाकारा अरमीना खान का शुमार भी उन शख्सियात में होता है जिन्हें उनके एक दीवाने मदा ने शादी की ऑफर की, लेकिन अरमीना खान ने इस मदा की शादी की पेशकश को इंतहाई शाइस्ता अंदाज में ठुकरा दिया था। अदाकारा ने फैन को जवाब देते हुए कहा कि माफ कीजिएगा सर, मेरी शादी हो चुकी है। चौथे नंबर पर हैं भूमि पदनेकर। भारत में भी ऐसे मदा भरे पड़े हैं जो अपने पसंदीदा अदाकारों से मिलने और उन्हें देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय ड्रामों में अदाकारी करने वाली भूमि पदनेकर के एक मदा ने ट्विटर में लिखा कि हेलो मैम, मेरा एक दिन भी आपके बगैर नहीं गुजरता। जिस पर अदाकारा भूमि पदनेकर ने रद्द अमल जाहिर करते हुए ट्वीट में जवाब दिया कि सेलिब्रिटी हो या ना भी हो, शादी की अभी कोई इम्कानात नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। शोबिज से ताल्लुक ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।